मृत सागर के किनारे तीन बेडाइन चरवाहे अपनी अपनी बकरियों को चरा रहे थे। तभी उन बकरियों में से एक बकरी गुम हो गई और यह सोचकर कि वह पास ही की एक गुफा में घुस गई है, उन चरवाहों में से एक चरवाहे ने उस बकरी को डराने के लिए उस गुफा के अंदर में पत्थर मारना शुरू कर दिया ताकि गुफा में से वह डर कर बाहर निकल आए। लेकिन तभी उन गुफाओं में से एक आवाज़ आती है जो किसी बर्तन के टूटने की आवाज़ की सी थी, और जब वह नौजवान चरवाहा उस आवाज़ को सुनकर गुफा के अंदर प्रवेश करता है, अचानक उस गुफा के अंदर उस नौजवान चरवाहे को मिट्टी के बने हुए घड़ों में वह मिला जो 20वीं शताब्दी की आज तक की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज है, और वह खोज थी अब तक की सबसे पुरानी बाइबल की हस्तलिपियाँ। जी हाँ दोस्तों, जिसे पहली डेड सी स्क्रॉल या पुराने जमाने की यहूदी हस्तलिपियाँ भी कहा जाता है। इन हस्तलिपियों को करीब 2000 वर्ष पहले जानवरों के चमड़े पर, जिसे चर्म पत्र भी कहा जाता है, और कुछ हस्तलिपियों को पेपायरस पर, जो मिस्र देश का एक ऐसा पौधा था जिसकी सज्जा से कागज बनता था, उस पर ज़्यादातर यहूदी भाषा में खुद लोगों ने अपने हाथों से दाएं से बाएं क्रम में अलग अलग स्तंभों में लिखा था, और इन सभी स्तंभों को आपस में जोड़कर एक हस्तलिपि बनाई गई थी। और इन हस्तलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें धागों से बाहरी हिस्सों से गूंथा जाता था और फिर उन्हें मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा जाता था। यही हस्तलिपियाँ आगे चलकर नियम संग्रह की पांडुलिपियों में बदल गई, जो मसीही पांडुलिपियों के लिए प्रारूपों के तौर पर जाने जाने लगी, जो वास्तव में पेपायरस के अलग अलग पन्नों पर थी, लेकिन उन्हें एक साथ बांध कर के रखा गया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, पांडुलिपियों और भी बड़ी और जटिल होती चली गई। मध्यकालीन युग में किताबों को फिर से हाथों से लिखा गया और रात दिन उन पांडुलिपियों के शब्दों को यूनानी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया, जबकि अन्य लोगों ने उन पन्नों की व्याख्या की। यह एक कठिन कार्य था जिसे करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण की जरूरत होती थी। यह किताबें बहुत महंगी होती थी। विषयों को स्पष्ट तौर पर बताने के लिए विभिन्न कढ़ाई और सोने की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था, और उन पन्नों की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद बाइबल मध्ययुग से प्रारंभिक आधुनिक काल में आ गई, और इस आविष्कार ने पुस्तक निर्माण में क्रांति ला दी थी, जिसने बाइबल को आसानी से सामान्य लोगों के पास पहुंचने में मदद की थी। आज बाइबल सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। इसके पृष्ठों के अंदर आप इस संसार के निर्माण की कहानी, नूह के जहाज और जल प्रलय, मूसा को 10 आज्ञाओं का मिलना, राजा सुलेमान द्वारा मंदिर का निर्माण, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनः जी उठना, पवित्र आत्मा का प्रेरितों के ऊपर आना, और बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। इन बाइबल की कहानियों के बड़े हिस्से को अब तक पढ़ी गई 400 सबसे पुरानी पांडुलिपियों में दर्शाया गया था। हालांकि अब तक कुछ पूरे हो चुके हैं, पर ज़्यादातर पांडुलिपियाँ अधूरे हैं या टुकड़ों में हैं। आज भी पांडुलिपियों की खोज जारी है, पर डेड सी स्क्रॉल या यहूदी हस्तलिपियों जैसा कुछ भी खजाना अभी तक नहीं मिला है।